और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, क्योंकि मैं संस्कृति के बारे में बात कर रहा था, हमारी सबसे पुरानी एक स्क्रिप्ट है जिसको हम कहते हैं ब्राह्मी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, विच इज़ द मदर ऑफ ऑल इंडियन स्क्रिप्ट्स। जितनी भी स्क्रिप्ट्स आज इंडिया में है, चाहे नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है या साउथ में है, वो सब के सब ब्राह्मी से डिराइव्ड है। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। स्क्रिप्ट इज द राइटिंग स्टाइल। अभी यहाँ पे हमने जो लिखा है, दिस इज नॉट इंग्लिश, दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज नॉट इंग्लिश स्क्रिप्ट, दिस इज कॉल्ड रोमन स्क्रिप्ट, क्योंकि ये रोमन लेटर्स हैं जो हम यूज करके इंग्लिश लिख रहे हैं। हम रोमन लेटर्स यूज करके कोई भी भाषा लिख सकते हैं, हम हिंदी भी लिख सकते हैं, हम नॉर्मल जब आप टेक्स्ट पे चैट करते हैं हम हिंदी लिखते हैं रोमन स्क्रिप्ट में, जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सो स्क्रिप्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अ लैंग्वेज, और हमारी जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है दैट इज ब्राह्मी। कौन से हमारे एजुकेशन सिस्टम में ब्राह्मी पढ़ाई जाती है? मैंने ब्राह्मी सीखनी शुरू की अभी पिछले हफ्ते बाय माई सेल्फ, यू नो देर इज़ नो टीचर, देर इज़ नो गुरु। आई सर्च्ड ऑन द इंटरनेट, आई फाउंड सोर्सेज जहाँ से ब्राह्मी के इंस्क्रिप्शंस मिले। और अशोक के बारे में सबको पता है, जो बहुत बड़े राजा थे, अशोक द ग्रेट। अशोका के जो एडिक्ट्स हैं उन्होंने पिलर्स बनाए थे बहुत सारे इंडिया में, जगह जगह उन्होंने अपने इंस्क्राइब किए हुए हैं उसमें एडिक्ट्स, उनके रूल्स उन्होंने इंस्क्राइब किए हुए हैं। आपको पता है इंडिया में किसी को अशोक के बारे में पता नहीं था जब तक वो स्क्रिप्ट डिसिफर नहीं की गई। इमेजिन, ये हमारी हिस्ट्री हमें नहीं पता थी क्योंकि हम लैंग्वेज ही पढ़ना भूल गए थे। वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट कोई पढ़ना ही नहीं जानता था। एंड हम लोग चाहे कितनी भी गालियाँ देते हैं अंग्रेज़ों को, इट वॉज अ फिरंग, इट वॉज अ इंग्लिश गाय हु डिसिफर्ड दैट स्क्रिप्ट। सो सारे अंग्रेज बुरे नहीं थे, कुछ थे हु वर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट इंडिया। उनमें से एक थे जेम्स प्रिंसेप, और उन्होंने बहुत एफर्ट डाला हमारी ये जो स्क्रिप्ट डिसिफर करने के लिए। उन्होंने अलाहाबाद के इंस्क्रिप्शंस, जगह जगह सांची स्तूप के इंस्क्रिप्शंस, कॉइंस के इंस्क्रिप्शंस, वो सब पढ़ के उन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसिफर किया। और आज सुबह मैं वीकेंड है तो मैं सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बना रहा था, और मैंने एक इंस्क्रिप्शन ढूंढा जो कि छत्तीसगढ़ के केव का है। आप इमेजिन करेंगे वो इंस्क्रिप्शन मतलब कार्विंग है, जैसे आप किसी भी मॉन्यूमेंट पर जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है, यू नो, राहुल लव्स सुनीता, यू नो, फॉर नो ऑफेंस टू राहुल और सुनीता हियर। सो ऐसे बहुत सारे लोग कार्विंग्स करके चले जाते हैं, राइट? थर्ड सेंचुरी BC में 2000 साल पहले भी ऐसे लोग थे, और एक ऐसा कपल था जिन्होंने अपना लव इमॉर्टलाइज करने के लिए गुफा के अंदर काव किया है। थर्ड सेंचुरी BC में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया, इट इज़ अ लव डिक्लेरेशन विच इज़ प्रॉबेबली द ओल्डेस्ट इन द कंट्री। और ये मैंने आज सुबह डिस्कवर किया बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू डिसिफर दैट इंस्क्रिप्शन। उसका मैंने विकीपीडिया पे जो ढूंढा, दैट वॉज अनफॉर्चुनेटली नॉट करेक्ट, बिकॉज आई कैन रीड द स्क्रिप्ट नाउ, आई कुड अंडरस्टैंड कि ये सही नहीं है, ये वर्ड्स कुछ और हैं। और जो उसका मीनिंग निकला, दैट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, यू नो, इट इज़ जस्ट अ सिंपल डिक्लेरेशन। एंड देर इज़ अ देवदासी, यू नो, उसने अपना नाम लिखा हुआ है, शुतनुक नामक देवदासी का बिलवड है एक वाराणसी का रहने वाला जिसका नाम है देवदीना, और वो एक आर्टिस्ट है। दैट इज इट, दैट इज द सिंपल तीन लाइनों में उन्होंने अपना प्यार डिक्लेयर किया है दुनिया को। और ये थर्ड सेंचुरी BC से वेट कर रहा था कि कोई हमारी लैंग्वेज पढ़ सके और उसे आइडेंटिफाई कर सके ये है क्या। सो आई थिंक, यू नो, There's so much to discover. The moral is just this: we have to learn our knowledge, we have to learn our language, we have to know ourselves. और वो जानने के लिए हमें खुद पढ़ना चाहिए। आज जैसे मैंने कहा, हमारी जनरेशन के पास वो फैसिलिटीज़ है, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास सब चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं ब्राह्मी खुद से सीख रहा हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट पर है। सो मैं, और वो एक हफ्ते में मैं इतने सीख गया हूँ कि मैं उसको डिसिफर कर पाया। सो ये चीज़ें मुश्किल नहीं हैं। जब पहले हमें वो लैंग्वेज नहीं पता थी तब ऑब्वियसली इट वॉज डिफिकल्ट टू डिसिफर इट, बट नाउ हमें पता है कि ये लेटर का ये मतलब है तो इट इज़ ईजी टू रीड। सो आई वुड अर्ज, यू नो, आई थिंक ये सेशन जो है उसका पर्पज़ मेरा सिर्फ यही है कि आप सबको
यू नो जागृत कराना टू मेक यू अवेयर अबाउट द नॉलेज, इमेंस नॉलेज दैट इज अवेलेबल.